ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी, तुमने हमारी कंपनी को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। बाबा मुझे पता था तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो करेगा। वैसे जानी कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 20 लाख रुपए का, कम से कम 10 लाख की बचत तो होगी। वाह बच्चू, मैंने ये गोल्ड की चेन खराब हो गई है, मुझे नई बनवा देना। अरे चेन को छोड़ो बाबा, चेन से बैठो, पैसे कम मिलेंगे जानी। क्यों? अरे बाबा मैं सोच रहा हूँ 8-10 भैंसे खरीद लूँ, गांव बसा नहीं है और किराएदार पहले आ गए। बच्चू ये छोड़ो भैंसों वैसे को, खत्म करो ये चक्कर अब। हाँ सही कह रही, जाए आप अपनी भैंस को देखिए। जानी तुमने मुझे भैंस कहा? मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मुंह से स्लिप हो गई। अच्छा बाबा देखो आज खुशी का दिन है, देखो ऐसी कोई बात नहीं करना कि मेरा मूड खराब हो जाए। जानी बाबा ये बताओ कि 1600 cc गाड़ी कितने की मिलेगी? 550 रुपए। 550 की कहाँ से मिलेगी? खिलौनों की दुकान से, एक से बढ़ के एक है। अरे बाबा मुझे खिलौने वाली गाड़ी नहीं चाहिए। तो इनको सिर्फ चलाना कब आती है? बच्चू तुमने गाड़ी चलाना अभी तक नहीं सीखी। अरे बाबा गाड़ी चलानी आती है, ब्रेक लगानी नहीं आती है। तो इसका मतलब है जब भी गाड़ी में आपके साथ बैठे तो जिना का दिमाग बना ले। हाँ बाबा बना लो बिल्कुल, मैं चलता हूँ। चलो बाबा जाओ। बाबा गाड़ी का पता कर लेना कितने की मिलेगी, पहले गाड़ी चलाना भी तो सीखो। अच्छा बाबा सीख लेंगे, वह गाड़ी आएगी। बाबा साईं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो, खुश हो? हाँ बाबा साईं, वो जो गांव में स्कूल खुलना था वो भला खुल गया? हाँ थोड़ा ताखिर कर दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इनका तो काम धंधा ही यही है। कब आओगे आप? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अपना जरीना, हाँ? मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो चूल्हे पे दाल रखिए, देखना कहीं जल ना जाए। उसके साथ दूसरी दाल भी रखी है क्या? नहीं तो फिर नहीं जलेगी, अकेले खुशी रहेगी। अरे बाबा जानी तुम कहीं जा रहे है क्या? हाँ वो मैं बैंक जा रहा हूँ। डकैती मरने? अरे एक पेमेंट है वो देखने जा रहा हूँ, आई कि नहीं आई। लेकिन बाबा सीमा के नाम है ना अकाउंट तो? हाँ हाँ तो सीमा मैडम साथ जा रही है, ये बता मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। बाबा बाबा बीवी मेरी है, मोटरसाइकिल पे तुम लेके जाएगा? चलाऊंगा तो मैं ना। आ जानी मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं तुम नहीं। अदाज को बोलो कि मेरे को साथ लेके चले, मेरे को मार्केट से थोड़ा सामान लेना है। मुझे पता है आपको मेकअप का सामान चाहिए होगा। अरे बाबा एक काम करो, तुम जानी जरीना को साथ बैंक लेकर जाओ, मैं और सीमा अलग आते। मुझे लग रहा है दाल जल रही है, मैं बता रहा वो देख के आता हूँ। अरे जानी मेरी बात तो सुनो, देखो अदाई कितने बात नहीं करता है, अगर कोई नहीं लेके जाता तो ठीक है, भला मैं खुद ही चले जाऊंगी, बहुत गंदे हो तुम लोग। अच्छा पता नहीं बाबा क्या करना है। सर हमारे लिए कोई काम है? बेटा सबसे पहले तो तू अपनी सेहत बना, इतना कमजोर चल रहा है। कंपनी की गाड़ी है उसके लिए ड्राइवर चाहिए। सर क्या तनख्वाह होगी? डायरेक्ट तनख्वाह पे आगे, पहले जरा ट्रायल कैसे चलाते हो गाड़ी सब देखेंगे, फिर सोचते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है फिर हम दोनों आपको कल सोच के बताते हैं। चलो ठीक है कल बताओ, जब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है कैसे जाओगे ये बताओ। चलो ठीक है ओके। या अल्लाह कैसे कैसे लोग मेरी जिंदगी में लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए जी। मुझे नासिर कहते हैं। जो कहते हैं उन्हें कहने दो, आप अपनी बात करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा नाम नासिर है और ये मेरी सेक्रेटरी है, इसका नाम मानो है। मानो जल्दी से अंदर आ जाए आप। क्यों भाई? बाहर गली में कुत्ते घूम रहे कुछ पता नहीं, आओ आओ। जी मानो मैडम फरमाइए। हम इनकम टैक्स ऑफिस से हैं। लग तो नहीं रहा, लेकिन हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है। झूठ मत बोले आप, हमें बैंक वाले ने सब कुछ बता दिया है। अरे लाखों रुपए कमा रहे हैं आप लोग। बड़े मुखबर लोग हैं ये। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए अकाउंट आपके नाम पर है? आप ही के नाम पे है ना? मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ जिनके अकाउंट में। सीमा मैडम, वो देखो आ गई। क्या हुआ, क्यों शोर मचाया हुआ है? और ये लोग कौन है? वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम इनको
और फिर इनको बार बार देखते हैं। बकवास बंद करो और सीधी तरह से बताओ कौन है ये लोग। इनकम टैक्स से आए मिलने। इनकम टैक्स से? आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आइए अंदर अंदर आके बैठे। आइए अंदर आइए। अच्छा तो ये बताएं कि महीने में आप कमा कितना लेते हैं? सर क्या बताओ, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। पानी में डुबो डुबो के रोटियां खा रहे हैं, कई दफा तो रोटियों को ठंड लग गई है। मगर आपके घर को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा। घर ये तो हमने अच्छे वक्तों में बना लिया था। हाँ बाबा, सीमा जरीना कह रही थी कि तुमने बुलाया है। ये साहब कौन है? ये सीमा के शौहर है, बेचारे बहुत गरीब है, कई दिनों से पेट पे पत्थर बांध के घूम रहे हैं। बाबा पत्थर बांध के, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? समझो बच्चों। इनकम टैक्स वाले। आ बाबा फिकर नहीं करो, मैं ले आऊंगा, टेंशन नहीं लो बाबा। मगर हमें इनके पेट में पत्थर नजर तो नहीं आ रहे? नहीं बाबा, वो मैंने बाथरूम में उतार के रखे ना, साबुन नहीं है तो उसी से नहाता हूँ। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों ने 10 लाख रुपए कमाए हैं। कहाँ कमाए? ये तो सारे उधार देने। क्या आप लोगों पे 10 लाख उधार है? बाबा हम जब से पैदा हुए उधार भी तो पल रहे। बस करो, लोग हमें बेवकूफ बनाने के लिए यही कहते हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप यकीन करें हमारा। हमारी शक्लें देख के नहीं लग रहा आपको? हाय मेरे तो दर्द में सर हो रहा है। मेरा मतलब है सर में दर्द हो रहा है। बच्चों में दर्द दबाइएगा। हाँ बाबा एक काम करो, गोली खा लो बाबा। हाय गोली के पैसे होते तो क्या ही बात थी, बहुत गुर्बत चल रही है। मैं दबा देता हूँ बाबा मेरा। अरे भाई चाय मिलेगी? भाई अगर आपको भी मिल जाए ना तो 3 कप ले आइएगा। अभी किचन में जाके ढूंढते, शायद कोई पत्ती चीनी मिल जाए। आइए हम तीनों मिलकर ढूंढते। मैं बाबा पानी ढूंढूंगा, चलो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल देखा तो उसके हाथ में कितना महंगा है। मुझे लगता है ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बताओ कुछ पकाया ही नहीं इसने खाने को। अरे बाबा जानी भला तुमको क्या हो गया है? अरे जरीना तुम यहाँ पर हो, वहाँ मसला बना हुआ है। कौन सा मसला? यहाँ मेरे पेट ने भूख से भूख हड़ताल की और तुमको मसले की लगी हुई है? अरे वहाँ इनकम टैक्स वाले आ गए, जरीना कुछ सोचो उनको किस तरीके से भगाएं। तुम ऐसा करो कि लकड़ी उठा कर उनको मारना शुरू कर दो, खुद ही भाग जाएंगे। वो इनकम टैक्स वाले कोई भेड़ बकरी नहीं है जो उनको डंडी मारे और भाग जाए। जानी जानी कुछ सोचो, मसले का हल सोचो कुछ। सोच रहे तो मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ आएगा भी नहीं तो जरीना तुम ही कुछ सोच रहे हो ना। हाँ मेरे को एक आइडिया है। बताओ तो क्या क्या? ठीक है तो ऐसा है कि मैं कुछ करता हूं उसपे। ठीक है। वाह जरीना वाह। एक कप चाय बना तो मैं अभी आती हूँ, मेरे भी पेट में दर्द। मैं चाय बनाऊंगी तो ना, मैं नहीं बना रही। जी खान साहब फरमाइए। जे आपके घर में पानी आता है? जब बारिश होती है तो फिर पानी आता है। हमारा मतलब है मोटर चलाने पर पानी आता है? मोटर चलाने पर पानी तो नहीं आता लेकिन बिल बहुत आता है। फिर ऐसा करो हम बोरिंग कर देता है। वो तो जब से आप खड़े हुए हैं बोरिंग किए जा रहे हैं। हम उस बोरिंग का बात नहीं कर रहा खाना खराब, जमीन वाला बोरिंग का बात कर रहा है। अच्छा अच्छा कितने पैसे लेते हैं? आपसे ज्यादा नहीं लेगा, 1 लाख रुपए लेगा, 2 टाइम का काना और अपना बेगम जान के लिए एक नया सूट लेगा। आप बोरिंग कर रहे हैं या पोडिंग कर रहे हैं? इतने पैसे? चलो ऐसा करो 50 ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं, नहीं। फिर ऐसा करो 25 दे दो। 25 नहीं, 25 में तो मोटरसाइकिल बेचनी पड़ जाएगी। 10,000 दो हम काम शुरू करता है अभी। नहीं 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 10,000 में तो मोबाइल बेचना पड़ जाएगा, 200 रुपए दे सकता हूँ मैं। खाना खराब, एक काम करो ये 50 रुपए रखो और खुद करो, हम जा रहे हैं। खान साहब, खान साहब बात तो सुनो, हम जा रहे हैं। खान साहब हम जा रहे हैं। खान साहब खड़े हुए जा रहे हैं। खान साहब यार था ये क्या हो, तो कैसे कैसे रिस्क अता फरमा देता है, बहुत बहुत शुक्रिया।
नासिर साहब, कुछ ऐसा नहीं हो सकता मसला के टैक्स देना ही ना पड़े। लेकिन टैक्स तो तुम्हें भरना पड़ेगा, वरना तुम्हारा घर सील कर देंगे। अरे बाबा, सील कर देंगे क्या मतलब है? मतलब बाहर से ताला लगा देंगे हम। बाबा ताला लगा दें तो क्या हम दरवाजे से कूद के जाएंगे? ऐसे तो हमारा दम घुट जाएगा ना। अब एक रास्ता है बाहर जाने का। नहीं, इस मसले का हल। अब वो क्या जानू? क्या मेरा मतलब है मानू? देखिए आपको ना हमें कुछ पैसे खिलाने होंगे। बाबा पका कर खाएंगे या कुछ ऐसे ही खा लेंगे कच्चे? ये क्या हो गया आपको? मानो मुख मुकैये की बात कर रही है। अच्छा अच्छा, अब समझा। वैसे बहुत देर से समझते हैं आप। नासिर भाई, कितने पैसे देने होंगे बाबा? भाई 5 लाख रुपए हमें दे दो, तुम्हारा हमेशा का टैक्स खत्म हो जाएगा। 5 लाख? अरे बाबा 5 लाख दे दिए तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सोच ले, वरना हर महीने 1 लाख रुपए कैसे देंगे आप लोग? वैसे आजकल एक नई स्कीम भी आई हुई है। कौन सी बाबा? पैसे खिलाओ जान छुड़ाओ। ये कौन सी स्कीम है? अरे सालों पुरानी है, आपने नहीं सुनी? अच्छा नासिर साहब मेरे साथ आएंगे जरा। आए बाबा। अरे आप यहाँ लॉन में अकेली बैठी हुई है? वो ना अंदर मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। किस बात से? जब से आपको देखा है ना। क्यों, इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत प्यारी हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं तो, मेरी ना बस बात पक्की हुई है। तोड़ दे। क्यों? मेरा मतलब है मेरी भी बात पक्की हो गई है। अच्छा, किससे? सुलोचन से। बहुत पक्का जोड़ता। बहुत फनी है आप। अरे बाबा जानी, मिस मानो से कुछ खाने पीने का पूछा? मैंने तो कहा, लेकिन घास का मना कर रही है। ये क्या बकवास है? अच्छा ये बताएं कि आपका नाम मानो किसने रखा? मेरे पापा ने। अच्छा, उनका नाम क्या था? बिल्ला। बिल्ला? बिल्ला बदमाश? नहीं तो, मगर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे बाबा, वो एक आया था बिल्ला बदमाश यहाँ पे। अच्छा बच्चू भाई, सारी बातें छोड़े, नासिर साहब कहाँ है? अरे बाबा, वो अंदर बैठे ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं। मिस मानव, आप चाय नहीं पीती हैं? जी नहीं, मैं ना जूस पीती हूँ। मैंने तो सुना कि इनकम टैक्स वाले जो है ना वो। अरे अरे जानी बाबा, जानी बाबा। आप दोनों ना बहुत फनी है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि बॉस ना अकेले। अला नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बाय। अच्छा बाय 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 बाय। बैठ जाओ जानी, बैठ जाओ। मजा आ गया। सर मुझे ये बताइए कि क्या बात तय हुई? मैंने इन लोगों को समझा दी है, बस ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मगर इन लोगों को शक तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों नकली इनकम टैक्स वाले? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बस पेमेंट मिलते ही हमने निकल जाना। सही है। सर चाय कैसी लगी? चाय को छोड़ो, तुम पेमेंट कब कर रहे हो? पेमेंट? कौन सी पेमेंट बाबा? वही जो भी समझाया था मैंने तुम्हें। अरे बाबा 5 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ पुलिस को फोन कर ही लो। नहीं कर दो आप, करो करो करो। अरे नहीं बाबा, लड़ाई झगड़ा नहीं करो बाबा, करते हैं कुछ, इसका कुछ हल निकालो ना बाबा। देखो बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, मुझसे घर में भी कोई बदतमीजी नहीं करता। बाबी भी नहीं करती? वो बदतमीजी करती ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट चप्पल से मारती होगी। अच्छा बस फजूल की बातें बंद करें, अब बस आप लोग ना डील डन करें। अरे बाबा मैंने सीमा को कह दिया, वो पैसे लेने गई है। नासिर साहब, सब कुछ आप ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 लाख रुपए बच रहे हैं ना तुम्हारे पास। 1 लाख रुपए सब्जी वाले के, 1 लाख दूध वाले के, 1 लाख राशन के, 1 कपड़े वाला, बाकी क्या बचा? 1 लाख अभी भी बच रहा है, मैंने हिसाब लगा लिए। बस यार अब मैं पुलिस वालों को फोन कर रहा हूँ। बस यार अब तुम कर ही दो। अरे नहीं नहीं बाबा, रहने दें, ये तो ऐसे ही बोलता है। जाओ जानी बाबा, देखो मैडम किधर है। अच्छा मैं देखता हूँ। आप बैठे सर, आप बैठे, तशरीफ रखे, बैठे ना। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। पागल पागल। नहीं ये तुम्हें नहीं क्या? ओहो, यहाँ जान पे बनी पड़ी हुई और आप लोग मोबाइल में लगे पड़े। ये बताओ जाने का कोई बात बनी, कुछ हल निकला? 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे वरना पुलिस केस हो जाएगा। 5 लाख? अरे पापा मैं तो कहती हूँ कि बेग साहब को बुला लो। बहुत अच्छे, यानी 6 लाख हो जाए। ना 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 ना, ना। चुप करो जरीना तुम। ये बताओ जाने के अब आगे क्या करना है, इस साथ तो हम खाली हो जाएंगे। अरे जानी मैंने तुमको बोला था, वो तुमने नहीं किया क्या?
अरे मैंने तो मानो को पटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चू भाई बीच में आ गए, बात अधूरी रह गई। हैरत है बाबा, तुम और लड़की ना पटा सको, ऐसा हो तो नहीं सकता। देखो जरीना, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। बस बस रहने दो, ये जो गली में से मासियां बिचारी गुजरती ना, तुम्हारे डर से बुरखा पहन के घर से निकलती हैं। जरीना चुप करो तुम तो, अब बताओ आगे करना क्या है? पैसे पड़े? हाँ वो तो मैंने एटीएम से निकाल लिए थे। बस तो फिर तैयार रखे, अब कर भी क्या सकते, मैं जरा कुछ मैनेज करता हूँ। हमें अब बहुत देर हो गई है, क्या हुआ पैसों का? अरे बाबा मैंने बोल दिया है, बस अभी हो जाती है पेमेंट। अच्छा सुनिए, आप ना इस बात के बारे में ना किसी से जिक्र मत कीजिएगा। आप इतने प्यार से कह रही हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आप लोग अभी तक गए नहीं? कैसे बदतमीज है आप, मतलब हमसे खाने को तो पूछे, हम खाना वाना तो खा के जाए। अरे बाबा 5 लाख रुपए मिलेंगे, अभी उसी में से खाना खा लेना ना। 5 लाख में तो टिया भी लग सकता है। किस चीज का? कलेजी का, कलेजी और गर्मा गर्म बंद कबाब। मजा आ गया कहते हुए। बच्चू ये लो, इनको 2 पैसे और दफा करो यहाँ से। अरे बाबा ये आपके पैसे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, सो कि मेरे दिल की कैफियत बड़ी अजीब है। एक बात बताएं कि दोबारा टैक्स तो नहीं लगेगा ना? दो, दो, हाँ, चलो मानो, चलो मानो, अपने सर की मानो। मानो बाबा, सारे पैसे ले गए जानी। मानो चली गई, तेरी तनख्वाह नहीं मिलती बाबा, तेरी तनख्वाह नहीं मिलती बाबा इस महीने। मानो चली गई। बाजाई मैंने तुमको पहले ही बोला था कि थोड़े से पैसे बचा के रख लो, ताकि मेकअप का सामान ले ले, सब चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप फिर आ गए? अरे भाई वो दरवाजा खुला था ना, तो मैंने कहा चलो हाल चाल ही पूछ लूं, और सब खैरियत है, ठीक है आप लोग? अरे बाबा हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी, आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई खैरियत तो है, बड़े गुस्से में लग रहे, क्या हो गया? हम कोई अपना मसला बताए तो आप हल कर देंगे? क्यों नहीं भाई, सारे मोहल्ले के मसले मैं तो हल करता हूँ। आज तक कभी कोई मसला हल किया भी है आपने? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की बॉल गटर में गिर गई, मैंने खुद निकाल कर दी, खुश हो गए बच्चे। ओहो। और क्या भाई, जुबैदा बाजी के घर के सामने बारिश का पानी खड़ा हो गया, मैंने साफ किया इन हाथों से। अरे बाबा आप ऐसे ही करते हो सारे काम? अरे भाई क्यों नहीं, मैं तो खाना भी पका सकता हूँ, आपके घर का पकाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, इन हाथों से नहीं। अरे शौकत भाई हम पहले ही बहुत अपसेट हैं, आप बाहर जाएं। अरे भाई कोई मसला ही नहीं है, खट्टी मीठी टॉफी है मेरे पास, दूं क्या? हाँ बाबा मुझे दे दो, वैसे ही दिल बड़ा खराब हो रहा है। अरे भाई बात क्या है? वो हमारे घर ना इनकम टैक्स वाले आ गए थे, सब कुछ लेके चले गए, खाली हो गए हम। अरे वो नासिर और माना है, आपको कैसे पता? अरे भाई उनको मैंने तो भेजा था। अरे बाबा आपने उनको यहाँ भेजा था क्या? अरे कजन है वो मेरे, बेचारे घर ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, मैंने खुद भेजा उनको, सही किया ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेहरबानी आपने की है हम पे हैं? जी जी जी, बड़ी मेहरबानी। अरे मेहरबानी तो शबनम और नदीम की थी। ओहो फिल्म की बात नहीं हो रही, रियल जिंदगी की बात हो रही है। अरे जानी बाबा ये मेहरबानी हम पे, शंकर साहब ने की ना। आओ ना बाबा इधर आओ ना बाबा, इनकी थोड़ी खिदमत तो करनी पड़ती है ना, इतने मेहरबान आदमी है बाबा। तू बाबा, हाँ बाबा आ जाओ जरा पकड़ो इनको। अरे बच्चू जानी, अरे बाबा वो बंदा किधर गया है? अरे बाबा होगा होगा, सबर करो, मसला ये अंडा ऊपर जाता है, हवा में रुकता नहीं है, सीधा मुंह पर गिरता है। तो असल काम तो वही है ना? ना बाबा ना, असल काम है अंडा ऊपर उछालना, जमीन में तो हर चीज कशिश की वजह से नीचे गिर जाती है। इनके शौहर तो सिर्फ कुरान दादी में से निकल सकते हैं, वैसे मुश्किल है। अरे बाबा तभी से बात करो, मेरी बहन है। अरे भाई क्या बताएं, अरे वही चाचा चाचू चूचू के पीछे क्या कहानी है ये बताएं। अरे भाई ये कौन है, अधूरी तहजीब का नमूना, चाचा चूचू भी कोई नाम होता है क्या? अरे चाचा सही, आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपको इज्जत दी है इसलिए वहां से उठाया है और ड्राइंग रूम में बिठाया है। चुप, हम कोई मेहमान मेहमान नहीं है, हम तो मेजबान है, और हशमत मेरा भाई है, और ये हमारी बिटिया रीमा है। क्या? अरे बाबा तुम्हारा नाम रीमा है, तुमने तो हमें बताया नहीं, तुमने तो शादी के वक्त बोला था तुम्हारा नाम सीमा है बाबा। अरे बाबा ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जो आप उससे पहले अमीन और सादिक की जांच पड़ताल कर रहे हो? अरे भाई ये जांच करना बहुत जरूरी है कि कौन इस जादू को राग में रख सकता है और कौन इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता।
चाचा अब पापा तुम तो इस तरह चीख रही हो जैसे चाचा कुएं में कूदने जा रहे हैं। पांव तो आपके वैसे ही कब्र में है, किसी भी वक्त खाई में गिर सकते हैं। अरे बाबा कारनामा तो तब होगा जब ये इंसान बन जाएगा। चाचा ये क्या किया आपने, ये इंस्पेक्टर है, इन्हें जल्दी से वापस इंसान बनाए। इंसान वाला मंत्र तो मैं भूल गया। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।